आज हम जानकारी लेने वाले हैं रेड पम्पकिन या लाल भोपड़ा, जिसे भी नाम आप बोल सकते हो उसके बारे में। तो एक्चुअल में होता क्या है, रेड पम्पिंग आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हमारे खुद के खेत का जो है पम्पकिन है, जो मैं आपको आज इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसके थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो और कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये पम्पकिन होता क्या है, सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि ये जो पम्पकिन है उसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं। जो पम्पकिन जो है ए विटामिन रहता है उसमें, दूसरा तो पम्पकिन हैज़ गुड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज, पम्पकिन में जो है बूस्ट आई विजन होता है, पम्पकिन में एड इन स्लीप बेटर विजन एंड पम्पकिन में लोअर ब्लड प्रेशर। उसके अलावा जो लोकल नेम्स है उसको तेलुगु में गुम्मड़ू काया कहा जाता है, मराठी में लाल भोपड़ा कहते हैं, हिंदी में कद्दू कहते हैं, कन्नड़ा में कम्बला काई कहते हैं और गुजराती में कोलानो वेलो कहते हैं। तो ये जो नाम है वो पम्पकिन के है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्चुअली मैंने हमारे खेत में जो फार्म में पम्पकिन का जो प्लांटेशन किया गया था वो जो यहाँ पे आप दिखाई देगा होगा कि जो ये प्लांट है वो लेमन का प्लांट है, और लेमन के प्लांट के साइड में जो भी ड्रिप्स हमारा सिस्टम रहता है वहाँ पे हमने वो पम्पकिन फार्म किया था। तो बेसिक मोटो बिहाइंड पम्पकिन फार्मिंग ये था कि उस पम्पकिन का जो भी बेल रहता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से जो भी दूसरा ग्रास है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी जब उसको पम्पकिन लगाया जो ओके तो पम्पकिन लगाने के बाद 3 महीने में उसको जो है हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, उसी दौरान आपको 3 महीने के बाद उसको निकालना पड़ता है। सबसे बेस्ट जो हार्वेस्टिंग पीरियड पम्पकिन का होता है वो है या तो अगस्त टू दिसंबर या फिर जनवरी टू मार्च या अप्रैल, तो ये 2 में इसे लोग लेते हैं। सबसे ज़्यादा मानसून पीरियड में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, और इसका जो भी आपका देवी का जो फेस्टिवल रहता है नवरात्रि का जो अभी हुआ उसमें उसकी डिमांड बहुत रहती है, क्योंकि जो भी फास्ट रहता है उसमें वो पम्पकिन, ये जो पम्पकिन आप देख रहे हो उसका यूज़ होता है। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे खेत में जो है पम्पकिन लगाया हुआ दिख रहा है, और बीच में जो है जो अभी पेड़ में निकाल रहा है उसके वो लेमन का पेड़ है, उस लेमन का पेड़ के साइड में हमने पम्पकिन लगाए थे। तो इससे अभी इनकम कैसे होता है दोस्तों की देख लो, एक पम्पकिन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पम्पकिन का साइज अराउंड 10 to 15 kg रहता है, और 1 kg का जो हमको रेट मिला हो अराउंड 14 to 15 rupees पर kg। तो जो यहाँ पे पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो पम्पकिन का ही, और उसके बीच में आपका लेमन को प्लांट्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइजेस की 10-15 किलो के आसपास एक पम्पकिन जाता है। मतलब अगर 15 rupees kg से भी आप उसको कंसिडर करते हो तो 10 kg का पम्पकिन 150 rupees को, और 15 kg का पम्पकिन 220 rupees तक जाता है। तो इतना बड़ा साइज का पम्पकिन होता है जो आप इजीली उठा नहीं सकते, उसका ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पम्पकिन है उसको ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आता है और लगाने में कितना खर्चा आता है, उससे इनकम कितना होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये तो पहले से ही लेमन का प्लांट था, तो सिर्फ ये जो है 1 kg जो सीड्स लाए हुए थे जो अराउंड 500 rupees के थे, और 500 rupees का जो सीड्स था उतना ही इन्वेस्टमेंट इसके लिए किया गया है। उसके अलावा ना तो कोई पेस्टिसाइड्स उस पर गया है, ना तो कोई दूसरा और कोई, सिर्फ 500 rupees और 3 महीना जो है हफ्ते में 2 बार उसको वाटर सप्लाई किया गया है, बाकी इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन देख सकते हो आप उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी हो गई है, और उसका जो रेट हमको जो है अभी यहाँ पे अराउंड 12 टन या 13 टन पम्पकिन का हार्वेस्टिंग हुआ है। तो एक जो है पिकअप या गाड़ी जो रहती है उसमें 2 टन का माल जाता है, तो 5-6 बार पिकअप का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो पूना का ट्रांसपोर्टेशन लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो सॉरी पूना का मार्केट जो है लोकल मार्केट है वो 100 किलोमीटर है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है यहाँ पे अराउंड हमको जो लगा है वो अराउंड 3,500 rupees है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20,000 तक हमको गया है, और उसके अलावा जो भी टोटल इनकम आया है 1,44,000 आया है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करके जो भी इनकम आया है वो है 1,24,000। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों जो है पम्पकिन के थ्रू लाखों का इनकम कमा सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उसके लिए ज़्यादा कुछ अच्छा सॉइल नहीं लगता है, और
ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ एनवायरनमेंट का भी ज़रूरत नहीं, तो आसानी से हर जगह पे पम्पकिन आ सकता है इसे। तो आप इसका उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इसका यूज़ आपको भी हो सकता है, तो अभी आप भी पम्पकिन का फार्मिंग कर सकते हो। थैंक यू।